तो गाइस, जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी समाप्त होती है और मास्टरपीस हाजिर होती है। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी सीन कुछ ऐसा है कि यार, कुछ दिन पहले भैया का ना लैपटॉप बहुत ख़राब हो रहा था। फिर भैया ने मेरे को बोला यार कि एक नया लैपटॉप देखने चलना है। लेकिन यू नो, ऑफिस की मेरी सिर्फ 2 दिन की छुट्टी रहती है, जिसमें एक दिन तो भाई तेरा भाई जम के सोता है और दूसरे दिन भी जम के सोता है। लेकिन इस बार यार मैंने सोचा कि बाहर जाएंगे, भैया के लैपटॉप वाला सीन है, लेकिन हो नहीं पाया और भैया अकेले ही चला गया फिर से। लेकिन हम क्या देखता हूँ मैं क्या देखता हूँ। इधर नहीं, नीचे नहीं, ऊपर लगाना, इधर लगा लो। ये वो है क्या, एकदम स्मूथ सा लग रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को इसकी कूल लगी, जब लैपटॉप आता है तो देखा इसको स्ट्रगल रहता है निकालने का, लेकिन ये जैसे जैसे पीछे जाता है तो यहाँ पे आपको एक हल्की सी स्पेस दी हुई है कि आप लैपटॉप आराम से उठा लो। तो एक बार हम लैपटॉप निकालते हैं, साइड में रखते हैं। हमने पूजा कर ली थी इसकी जब ये आया था। इसमें अब देख लेते हैं क्या क्या है। इधर साइड में चार्जर दिए गए हैं, ठीक है। इस साइड यही था शायद से स्पीकर वगैरह, जो हमने निकाल लिए। और इसको करते हैं बंद। यहाँ पे इसका पावर बटन है। अब देखना कितनी इजीली ये ओपन होता है, कितने स्मूथ लगता है। हो गया। तो एक बार अगर हम लैपटॉप की बात कर ले तो इसकी लाइटिंग जो पीछे से लगती है, ये देख रहे हो, यहाँ पे एकदम कूल लुक देता है, एकदम प्रीमियम लुक देता है इस चीज़ को। यहाँ पे जो ये लाइटिंग है गेमिंग को सपोर्ट करने के लिए। एंड जो सबसे कूल चीज़ जो मुझे लगी है, इसकी जो लाइटिंग देख रहे हो आप, जैसे चेंज हो रहा है। और स्क्रीन आपको एमुलेट मिल जाती है, यहाँ पर बस एक कैमरा मिसिंग है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो देखने में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यार मैं ज़्यादा टेक में हूँ नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही है। तो एक बार सेटिंग्स पे जाके देखते हैं, एक बार जो इसके कॉन्फ़िगरेशन है वो भैया से सुन लेते हैं, क्योंकि इसको अच्छे से पता ही लेने गया था। तो एक बार बता दो कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है। Ryzen 7600H का प्रोसेसर और 16GB RAM वेरिएंट के साथ लिया है। SSD बस 512GB है। तो यार ये बहुत सही चीज़ है। तो अगर मतलब ऑफ़र वगैरह, जैसे कि दिवाली वगैरह आते हैं, दशहरा वगैरह आते हैं, तब इनके रेट भी कम हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूं वेट के हिसाब से तो उतना हैवी नहीं है, क्योंकि मैंने जितना जिसका पुराना वाला लैपटॉप है, और एकदम कंप्लीट है। मतलब ये पहले सोच रहा था कि यार ऑफिस के पर्पस से ही ले लेते हैं, लेकिन लाइफ टाइम ही तो थोड़ी ऑफिस होती है, कि फ्री टाइम जब रहता है तब आप गेम वेम भी खेलते हो, थोड़ा मूवी वूवी भी देखते हो। तो उसके लिए हिसाब से यार मेरे को तो सही लगा कि कभी गेम वगैरह खेलना चाहो, एक LCD ले लो, उसमें इसको कनेक्ट करो, मस्त गेम वगैरह खेलो। तो यार इस पे तो अभी काम चलेगा, मतलब 3-4 कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो आराम से करेंगे। ये भी कर रहा है अभी, क्योंकि इसी का लैपटॉप है। लेकिन मैं भी कुछ दिन इस्तेमाल करने वाला हूँ, कि तो मैं इसका कंप्लीट इस्तेमाल एज इन मैं भाई गेम के पर्पस से यूज़ करूँगा। जब ये सो रहा होगा तब ये मैं इसको छुपके से निकाल के अपन गेम वेम चलाया करेंगे। इसके साथ दिया गया है हमें स्पीकर, ROG स्टोर से हमने ये परचेज करा था, तो जिस वजह से एक स्पीकर गिफ्ट में मिला है। उसके साथ स्क्रीन साफ करने के लिए तीसरा में मिला है वो जो प्रोटेक्टर रहता है आप कीबोर्ड पे लगाने के लिए, मैं दिखा देता हूँ, ऐसे जो ये रहता है। और एक सुंदर सा बैग दिया है यार, बैग बहुत ही स्पेस में है। अगर स्पेस की बात करूँ तो देखो, स्पेस की बात करूं इसके में तो देख रहे हो, यहाँ पे अंदर में यहाँ पे लैपटॉप रखने की जगह है, यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान आप इसका रख सकते हो, अपना चार्जर वगैरह का। यहाँ पे भी एक छोटी सी चेन दी गई है एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए। यहाँ पे ये भी बहुत स्पेस है इसके अंदर। साइड में एक पानी बॉटल का दिया हुआ है, मतलब एक अच्छा सा बैग है, गेमिंग बैग यहाँ पे लिखा हुआ है द गेमिंग।
दो ज्यादा डिबेट तो सबसे ज्यादा रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो रहता है विंडोज या फिर मैकबुक। तो यहाँ पे यार वैसे तो मैं मैकबुक के साथ रहता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ लग रही है मेरे को गेमिंग के हिसाब से भी और वर्किंग के हिसाब से अमेजिंग लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका टच पैड भी इतना स्मूथ है, ये इतना फास्ट है कि क्या बताओ यार, मतलब जैसे यहाँ छोटा सा साइड में चार्जर रखने के लिए ये आपका लैपटॉप आ गया, और यहाँ पे भी स्पेस अभी भी बहुत खाली है यहाँ पे चार्जर आने के बाद भी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो हाँ इस बैग को ही ले जाओ, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ गए, अगर आपका लंच बॉक्स भी है तो वो भी आ जाएगा। तो मतलब ये कंप्लीट बैग बना है ताकि किसी बंदे को और ज़्यादा बैग कैरी करना ना पड़े। सबसे बेस्ट लगा है कि हाँ ऐसे ऊपर से किया और निकाल लिया।